सीमा विवाद और गलवान घटना के बाद को लेकर भारत चीन के बीच तनाव चरम पर है। भारतीय सेना हर चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है, क्योंकि चीन कभी भी धोखेबाजी कर सकता है। चीन अक्सर बातचीत की आड़ में सीमा पर सेना की तैनाती, सैन्य अभ्यास और निर्माण कार्य करता रहता है। उसकी फितरत ही ऐसी है कि चीन की कथनी और करनी में फर्क रहता है, इसलिए चीनी सेना की हर हरकत पर नजर रखना बेहद जरूरी है। इसी उद्देश्य से भारत ने आकाश में भी तैनाती बढ़ा दी है। नौसेना के टोही विमान P-8I से चीन पर नजर रखी जा रही है। इससे पहले भारत ने गुरुवार को चीन से अपनी गतिविधियों को वास्तविक नियंत्रण रेखा के पार अपने क्षेत्र तक ही सीमित रखने को कहा है। साथ ही पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी पर चीनी सेना के संप्रभुता के दावे को खारिज कर दिया है। इसके बावजूद खबरें आ रही हैं कि चीन सीमा के उस पार युद्ध अभ्यास और युद्ध का साजो सामान इकट्ठा कर रहा है। ऐसे में चीन के हर कदम पर नजर रखना जरूरी है। ये काम नौसेना का P-8I ही विमान कर रहा है। इसके बेड़े को भारतीय नौसेना के सभी अहम मिशन और युद्ध अभ्यासों में लगाया जाता है। भारतीय नौसेना के P-8I विमान को डोकलाम में हुए गतिरोध के दौरान भी तैनात किया गया था। पिछले साल पुलवामा आतंकी हमले के बाद पाकिस्तानी सैनिकों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए भी P-8I विमान की तैनाती की गई थी। भारतीय नौसेना के पास निगरानी के लिहाज से P-8I बेहतरीन विमान है। ये विमान समुद्र और पहाड़ों पर आसानी से दुश्मन की निगरानी करने में सक्षम है। इस विमान की तैनाती बड़े संकट से निपटने में थल सेना और नौसेना के बीच तालमेल का संकेत मानी जाती है। पहला P-8I विमान 2013 में भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया था और अभी सेना के पास 8 ऐसे टोही विमान हैं। पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में सोमवार रात चीनी सैनिकों के साथ हिंसक झड़प में भारतीय सेना के एक कर्नल सहित 20 जवान शहीद हुए थे। इस सैन्य टकराव के कारण दोनों देशों के बीच क्षेत्र में सीमा पर पहले से ही तनावपूर्ण हालात और खराब हो गए हैं। इसके बाद चीन की हर हरकत पर नजर रखी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।